नशे में डूबे हैं ये रहते हैं कभी जाते हैं कभी आते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ इन झील जैसी आंखों में डूबकर किनारा नहीं मिलेगा। प्यार के समंदर में डूबने वाले किनारों की परवाह तो नहीं करते। शुक्र है तुमने मेरे प्यार का इकरार तो किया। यहाँ अकेली तुम्हारे साथ बैठी हूँ, ये प्यार नहीं तो और क्या है? तुमसे मिलकर ऐसा लगा लुपना के जैसे जिंदगी का सफर अब से शुरू किया मैंने।
अब जिंदगी शुरू कर ही दी है तो कभी मुझसे दूर मत जाना, हमेशा साथ रहना। तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे दिल पर प्यार की दस्तक दी है। आ रहा हूं, आ रहा हूं। ओ भाई आ रहा हूं, क्या हो गया? अबे आ रहा हूं, क्या हो गया तुझे? आ गया हूं। हाँ तो गया हूं यार। क्या घोड़े बेच के सो रहा था? रात को देर हो गई है देव। वैसे जो वगैरह आया था उसकी खाने वाने में। तो कम से कम फोन तो उठा ले। कितनी कॉल्स किए तुझे? चल छोड़, आ जा। माफ कर दे, थकावट थी, सो गया, आंख लगी, ऊपर से साइलेंट पे था मोबाइल। हाँ भाई देख। अच्छा तू छोड़, अपनी कार्रवाई की बता। एकदम फिट। अब ये बता कि गाड़ी का क्या करना? करना क्या, जब बाहर को फोन कर खुद उठा लेगा। इसीलिए तो आया हूँ, लेकिन मैं उसको फोन नहीं करूँगा। तुझे तो पता है कि मेरी उसके साथ मुंह मारी हुई है। मारी की बात नहीं है, यहाँ भी गाड़ी का मसला आता है, तेरे मुंह में राल टपकने लगती है। अबे राल नहीं टपकती, जेवरात के साथ चाबी आ गई तो मैंने सोचा कि कुदरत मुझे चांस दे रही, तो मैं क्यों इनकार करूं। पता नहीं किससे बात कर रहा है, बिजी जा रहा है। हाँ तो कॉल बैक कर लेगा। अच्छा सुन, वो कयूम की टीम आएगी रात को अड्डे पे, जीत कर नहीं जानी चाहिए। कितनी बार तुझे कहा है भाई को हल्का मत लिया कर, यहाँ तू और मैं यानी छल्ली और गोशी इकट्ठे हो जाए ना, किसी की दाल नहीं गलती फिर। लुबना अंदर की सफाई कर ले। अच्छा चाची। इजाज। हाँ माँ। लो, तू अब तक पड़ा सो रहा है। सोने देना माँ, इतने अरसे बाद पुरसकून नींद आई है। क्यों, ऐसी कौन सी बेसकूनी है जो तुझे नींद नहीं आती? अम्मा सोने देना, सवाल जवाब बाद में कर ले। तू कब उठेगा, कब तैयार होगा, कब काम पर जाएगा? तू उठेगा तो यहाँ की सफाई होगी, चल जल्दी कर। अच्छा माँ उठता हूँ। लुबना आज कपड़ों के लिए मशीन मत लगाना, इतवार को कट्टे धो लेंगे, चल उठ जा जल्दी कर। उठता हूँ अम्मा। तुम अब चेंज कर लो। हाँ वो जो तुमने दूसरा ड्रेस बताया था वो पहन लो। आप लोग आ जाओ। कबीर ट्राइपॉड पे लगाओ। हेलो हाय फरा, कैसी हो तुम?
कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। पीछे फराह का दुबई से फोन आया था, मजे कर रही है वो। मलेशिया और दुबई में इतना काम है और तुम नखरे कर रही हो। मुझे सिर्फ मॉडलिंग करनी है, कुछ शोपीस नहीं बनना। अरे करना पड़ता है, देखो अपने आप को कैश कराओ वरना 4 साल बाद तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। हेलो, हाँ सुमल, क्या? अच्छा ओके ओके ओके, मैं अभी आ रहा हूं। ओके क्या हुआ? कबीर बैकअप कर दो। तुमने कहा था ये कलर मुझ पर सूट करता है, आज पहन कर आई हूं तो तुमने मेरी तारीफ ही नहीं की। बहुत कंजूस हो तुम, कभी नहीं कहा कि मैं अच्छी लग रही है ना? बेटी हंस रही हो और मुझे फोन ऐसे किया था जैसे पता नहीं क्या हो गया। तुम्हें भी तो मेरी कभी फिकर नहीं हुई, सारा सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ। सुम्बुल तुमने अपने आप को अकेला खुद किया हुआ है। क्या क्या किया? तुमने अपना सारा गोल्डन पीरियड बर्बाद कर दिया। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए तुम्हारे पास लेकिन तुमने हर एक में ऐब निकाला। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कोई लंगड़ी लूली हूं? अनपढ़ जाहिल हूं मैं स्टेट से पढ़कर आने के बाद भी किसी बीए या एमए पास लड़के से शादी कर लेती? हाँ, तुम्हें तो पीएचडी चाहिए था ना, तुम्हारा ख्वाब था। हाँ था ख्वाब। तो सारे ख्वाब पूरे नहीं होते, कभी कभी इंसान को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। तुम भी बस मुझे ही ताने दो, कोई भी नहीं है मेरा, ना माँ ना बाप ना भाई हूं मैं तुम्हारा सगा भाई, ऐसा क्यों सोचती हो? तुम भी तो नहीं पूछते ना मुझे, सारा सारा दिन स्टूडियोज में मॉडल्स के साथ बिजी रहते हो। हम दोनों का एक दूसरे के सिवा है ही कौन। अच्छा अगर तुमने मुझे जल्दी बुला ही दिया तो एक काम करते हैं, हम आज खाना बाहर खाते, ठीक है? अच्छा मूड अच्छा करो ना प्लीज, ऐसे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम। चल उठो। सलमा तू फिक्र ना कर, हो जाएगा गुजारा। अरे इस महंगाई के दौर में कहाँ गुजारा होता है, ए हम घर में 4 खाने वाले और मेरे अकेले बेटे की कमाई। मुझे पता है सलमा, पेंशन के पैसे से कुछ भी नहीं होता। अरे भाभी तुम कह रही थी लुबना नौकरी देख रही है। हाँ वो कह तो रही थी लेकिन मेरा दिल हौलता है, देखो ना जवान जहान बेटी है और क्या क्या होगा, सारे जहान में लड़कियां काम करती हैं और ये काम कर लेगी तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। कह तो तुम ठीक रही हो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कितनी बार खाला आपसे कहा कि इसे अकेला मत भेजा करें। अरे तू कहां से आ गया इसका हमदर्द है, तुझसे ज्यादा फिक्र इसकी हमें। वो तो सब ठीक है, चली क्यों नहीं आया?
हालांकि वो छली है, कोई दुम छल्ला नहीं कि उछलता कूदता फिरे। अरे तू जो ठहरा है उसका दुम छल्ला, कारोबार उसका, घर उसका, गाड़ी उसकी, है तेरा क्या है? हल्का मत ले खाला, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। क्यों कर रहा था मजाक? चलता हूँ मैं। हाँ जा। खाम खाई मुंह उठा के चले जाते। नोट और किस्मत हमेशा गोशी का साथ देते हैं। ये गेम फेयर नहीं हो रहा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। क्या मतलब तेरा, हम लोग चीटर हैं क्या? ए गोशी, फटा करने से कोई फायदा नहीं है। मैं एक एक को जमीन में गाड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ। क्या बोल रहा है भाई, भाई को हल्का ले रहा है, दिमाग खराब हो गया तेरा। उसी के घर पे खड़ा होके, उसके डेरे पे खड़ा होके इस तरह की बातें कर रहा है, वो छेल उतार देगा। लो खड़ा हो गया। देख दलावर, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरे डेरे पे फटा करने की जरूरत है। तुझे पता है कि मैं बात असूल की कर रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। तुझे पैसे चाहिए तो चल एक काम करते हैं कि हाजी के होटल पे चलते हैं, चाय पीते हैं, वहां बैठ के बात करते हैं, यहां फटा करने की जरूरत नहीं। गोशी आजा, तू भी चाय पी ले। ले जा इसको। चल पैसे क्या तू? अच्छा अच्छा आ रही हूँ। अरे बेटा क्या बात है अम्मा, आज इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? अरे बेटा तुझे कहा तो था ताई को डॉक्टर के लेके जाना, सुबह शाम खांसती रहती है। अरे कहीं ऐसा ना हो हमें अपनी जरासीम लगा दे। मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ। अच्छा अच्छा रात में छत पर अकेले, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे होते हुए कैसा डर? ये तुम दिल से कह रही हो या ऐसे ही ऊपर ऊपर से? दिल से कहा है। क्यों पीते हो ये सिगरेट? सेहत भी खराब हो जाएगी और इस धुएं से घबराहट नहीं होती तुम्हें? यही तो मजा देता है, इंसान इतना हल्का हो जाता है जितना धुआं। लो लो तुम भी पियो। अरे पी लो ना, मजा ना आया तो सिगरेट वापस। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहन को सिगरेट पिला रहे हो। बहन
और तुम। हम तायाजाद हुए तो क्या हुआ, हैं तो बहन भाई ना। तायाजाद बहन बहुत गुंजाइश होती है,